बिभाड़ी पुलिस ने मुन्ना कबाड़ी तथा हरीश बेकरी पर हुई अंधाधुंध फायरिंग तथा करोड़ों की फिरौती प्रकरण के सूत्रधार दीपक अग्रवाल पुत्र वेद प्रकाश निवासी गांधीनगर गुरुग्राम सहित दो आरोपी अमन कुमार पुत्र रविंद्र कुमार निवासी सलारपुरा उत्तर प्रदेश मोहित पुत्र ओम प्रकाश निवासी हुसैनपुर हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुलजिम दीपक अग्रवाल व सहयोगी अमन कुमार को हरिद्वार तथा मोहित गुर्जर को रुड़की उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम दीपक अग्रवाल ने ही मुन्ना कबाड़ी तथा हरीश बेकरी की घटना से दो दिन पूर्व रैकी कर सूचना पंकज दुबई के मार्फत गैंग लीडर अमित डागर तक पहुंचाई थी तथा पंकज के लगातार संपर्क में था। पुलिस टीम ने गैंग की पहचान कर रैकी कर दीपक अग्रवाल के पुराने नंबर प्राप्त कर साइबर सेल से दीपक के नए नंबर प्राप्त किए और ट्रक पर पता लगाया। पुलिस टीम ने भेष बदल कर हरिद्वार में एक पार्क से दीपक अग्रवाल व अमन कुमार को दस्तयाब किया तथा दोनों से पूछताछ के आधार पर मोहित को रुड़की से गिरफ्तार किया। भिवाड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी गैंग का पर्दाफाश किया है। एक एक आदमी को हमने चिन्हित कर लिया है। इसके भिवाड़ी फायरिंग केस के मुख्य सूत्रधार आरोपी सहित दो अन्य सहयोगियों को हमने आज गिरफ्तार किया है और अन्य अभियुक्त हमारे रडार पे हैं। उन पे गहन तरीके से काम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उनको भी शीघ्र ही हम दस्तयाब करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।